हेलो, एज यू ऑल नो, लेटेस्ट चैप्टर में हमें सारे स्ट्रॉ हैट्स के बाउंटीज पता चला है। एंड ये बाउंटीज जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे सब, उससे बहुत अलग है। जिम्बे का बाउंटी सांजी से ज़्यादा है, लमाओ एंड जोरो सांजी दोनों के बाउंटीज किंग क्वीन से भी कम है, बहुत ज़्यादा। सांजी का बाउंटी तो जैक से भी थोड़ा सा ही बस ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, यही मैं इस वीडियो में तुमको बताएगा। दिस वीडियो इज़ नॉट मेरा चैप्टर ओपिनियन वाला, वो मैं इस वीडियो के बाद डालेगा। ये वीडियो सोलली स्ट्रॉ हैट्स के बाउंटीज पर है। इंट्रो देखो, फिर चालू करता है मैं अपने बातें पेलना। लेट्स बिगिन। ओके, सो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत लोग रो रहे होंगे कि स्ट्रॉ हैट्स का बाउंटी ओडा ने इतना कम क्यों दिखाया है, दे डिज़र्व मोर बाउंटी ETC। बट मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्ट्रॉ हैट्स का ये बाउंटीज़ परफेक्ट है। ओडा ने ऐसे ही फूक के इन बाउंटीज़ को नहीं रखा है। अच्छा, सबको पता है ना कि कौन बाउंटीज़ एक्चुअली में सेट करता है पायरेट्स पे एंड क्रिमिनल्स पे? वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन्स, राइट? सारे स्ट्रॉ हैट्स का भी उन्होंने ही डिसाइड किया है बाउंटीज़। अब एज यू ऑल नो, ओनिगाशिमा वॉर जो था वो वानो में हुआ था, एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही तरीका था वानो में हो रहे चीज़ों को जानने का, CP0। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि CP0 एकदम डिटेल में ही सब चीज़ बता रही थी। जो वॉर में हो रहा था वो सब चीज़ एकदम डिटेल में नहीं बता रही थी CP0, एंड बाद में CP0 वाले खुद भी पिट गए थे। तो ओनिगाशिमा वॉर में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। ऑल दे नो इज़ कि काइडो बिग बॉम हार गए एंड लूफी का फ्रूट अवेकन हो गया। उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि जोरो ने किंग को हराया, सांजी ने क्वीन को हराया एंड जिम्बे ने हुजो को हराया। उनको बस इतना पता है कि सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स सर्वाइव किए वॉर को एंड वर्स्ट जनरेशन वाले योंकोस को पेल दिए, विच इज़ वाई उन्होंने सारे स्ट्रॉ हैट मेंबर्स का बाउंटी रैंडमली डिसाइड किया। मुझे जहाँ तक लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों को ये भी नहीं पता होगा कि लूफी ने काइडो को 1v1 में हराया एंड लॉ किड ने बिग मॉम को 2v1 में हराया। उनको बस इतना पता चला कि बिग मॉम काइडो हार गए, एंड क्योंकि उनको इतना पता था कि लूफी लॉ किड इस वॉर को लीड कर रहे थे, उन्होंने बिग मॉम काइडो के बाउंटी को मिला के जितना बाउंटी होता है उतना बाउंटी तीनों में इक्वली डिवाइड कर दिया एंड लूफी को योंको बना दिया, क्योंकि वो अब डायरेक्ट थ्रेट बन चुका है वर्ल्ड गवर्नमेंट का आफ्टर निका फ्रूट्स अवेकनिंग। एंड लूफी को योंको डिक्लेयर करने से ऑब्वियसली वो एक टारगेट बनेगा रूकीज़ का, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है कि लूफी के पीछे और लोग आए ताकि उनका काम ईजी हो जाए थोड़ा सा। अगर रैंडमली स्ट्रॉ हैट्स का बाउंटी डिसाइड किया गया है तो फिर जिम्बे का बाउंटी सांजी से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जिम्बे का बाउंटी वानो से पहले भी सांजी से ज़्यादा ही था, और जिम्बे एक ऐसा कैरेक्टर है जो वालो तो था ही बट बाद में वो बिग मॉम पायरेट्स को भी ज्वाइन किया था, एंड उस बंदे ने एक योंको के क्रू को छोड़ के एक रूकी के क्रू को ज्वाइन किया जो उस योंको के डिफीट के बाद खुद योंको बन गया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जिम्बे का बाउंटी जोरो से ज़्यादा क्यों नहीं है? जोरो का भी तो बाउंटी जिम्बे से कम था ना वानो से पहले, जिम्बे से क्या, उसका तो सांजी से भी कम था, फिर उसका बाउंटी भी कम होना चाहिए था, राइट? लेकिन जोरो का ज़्यादा क्यों है? तो जोरो का बाउंटी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसलिए जिम्बे से ज़्यादा रखा क्योंकि कोई भी अगर स्ट्रॉ हैट्स को बाहर से देखता है तब उनको ऐसा लगता है कि जोरो वाइस कैप्टन है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का। इवन तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में वाइस कैप्टन जैसा कुछ नहीं है, बट ये तो हमको और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वालों को पता है ना, बाकियों को एक्चुअली में लगता है कि जोरो ही वाइस कैप्टन है स्ट्रॉ हैट्स का। एग्जाम्पल इज़ बार्थोलोमियो, वो इतना बड़ा सिंप है लूफी और उसके क्रू का, फिर भी उसको नहीं पता था कि स्ट्रॉ हैट्स में कोई वाइस कैप्टन नहीं है। उसको और बाकियों को भी लगता है कि जोरो ही है वाइस कैप्टन, एंड कैप्टन के बाद हाईएस्ट बाउंटी तो ऑब्वियसली वाइस कैप्टन को ही मिलेगा ना। तो ये सोच के वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जोरो को सेकंड हाईएस्ट बाउंटी दिया, एंड ये चीज़ ओडा ने इसलिए भी किया ताकि हमें जोरो सांजी का एक दूसरे को मॉक करने वाला फनी मोमेंट भी मिले, जैसा वानो में मिला था हम लोग को पहले। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ओडा ने कितना सोच समझ के डिसाइड किया है स्ट्रॉ हैट्स का करंट बाउंटी। एंड हाँ, ये मत बोलना कि स्ट्रॉ हैट्स का बाउंटी बड़ा ही क्यों अगर उनके हरकतें वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं पता था तो। भाई, लूफी एक योंको बना तो ऑब्वियसली उसके क्रू का बाउंटी तो बढ़ेगा ही ना ओवरऑल में भी। एंड रॉबिन का बाउंटी क्यों बड़ा है मत पूछना ये भी, ठीक है? सबको पता है क्यों बड़ा है, राइट? वो इतनी बड़ी थ्रेट जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। एंड दैट्स इट। अब ऐसे कमेंट्स मत करना कि ब्रो जिम्बे सांजी से स्ट्रॉन्ग है क्या। बाउंटी ज़्यादा होना मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्गर है। चैप्टर पर भी मेन वीडियो में जल्दी लाता है, ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है, ये चीज़ कर लेना, बेल आइकन भी। तो अब चैप्टर वाले वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।